हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल लर्न विद संध्या शिक्षिवी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मारिया इन्वेस्टेड रुपीज़ 8,000 इन अ बिजनेस। मारिया है, उसने 8,000 इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, ठीक है। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और 5% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, और पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो बताइए कि सेकेंड ईयर के एंड में उसे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में बोला है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में कितना मिलेगा, ठीक है। तो हमें यही बताना है, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए, इसमें पहले प्रिंसिपल दे रखा था आपका 8,000, रेट 5%, और टाइम क्या था आपका 2 ईयर। तो हमें सबसे पहले निकालना है कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपाउंडेड एनुअली निकालेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, और ये आपका क्या होता है, टाइम। तो अब ये प्रिंसिपल आपका 8,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 1 प्लस रेट क्या आपका 5% अपॉन में ये आपका 100, ठीक है, और टाइम क्या आपका ये 2 ईयर, ठीक है, हमने पुट कर लिया। अब क्या करना है, इसको कट हो जाएगा, ये आपका सिंपली कट हो रहा है, 5 पंजा और ये आपका 20 सामे। तो अब हम क्या करेंगे, ये 8,000 लिखा हमने इक्वल टू, ठीक है ना, ये लगा लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए, मैंने बताया था इन दोनों का इंटू हो जाएगा, 20 वन जै 20 और ये प्लस 2, तो क्या हो जाएगा आपका 20 और प्लस 1, तो 21 अपॉन 20, और ये 2 टाइम है, इसकी पावर 2 है, तो 21 अपॉन 20, ठीक है। अब ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट दिया हमने, ठीक है। फिर ये इस वाले 2 से ये 40 आ गया कट के, फिर ये वाले 2 से कटा, तो ये आपका आ जाएगा 20। तो ऊपर हमारे पास क्या क्या बचा, 20 बचा, 21, फिर इंटू 21। अब ये हम कर लेते हैं, हमारे हमें पता चल जाएगा अमाउंट इसका, ठीक है। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 88,820, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड ईयर का। ये तो हमारा सेकेंड ईयर का हुआ, अब थर्ड ईयर का निकालेंगे। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, तो ऐसे लिखेंगे, इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने बताया था आपको, क्या निकालेंगे हम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ठीक है। थर्ड ईयर का हम निकालेंगे अब, तो थर्ड ईयर का निकालना होगा, तो प्रिंसिपल क्या होगा आपका, मैंने बताया था ये वाला प्रिंसिपल नहीं लेना है, ये वाला प्रिंसिपल लेंगे हम। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 8,820 इंटू रेट क्या है 5%, और टाइम क्या होगा इसमें आपका 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका थर्ड ईयर है ना, तो इसमें आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ईयर के लिए। अब क्या होगा, ये आपका अपॉन में 100, ठीक है। तो ये आपका सिंपली कट हो जाएगा, कैसे, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा, ठीक है। अब क्या बचा आपका 82, और तो ये आपका 10 से कट जाएगा, कटेगा, तो क्या आएगा ये आपका, तो इसमें हम कट नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम, इसमें हम ये 10 हमें नीचे रहता है, तो इसको करने में डिवाइड सिंपल रहता है, तो ये 8 8 8 2 आया, ठीक है, और ये आपका 5, अब 1 से 5 5 5 ही हो जाएगा, कोई वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन में आपका आ जाएगा 10। तो अब ये कटेगा आपका, तो क्या आ जाएगा, 4400 अपॉन ये आपका क्या आ जाएगा 10, ठीक है ना, 5 से इंटू कर देंगे तो यही आएगा आपका। तो अब ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो आपका कट गया, आपका क्या आ जाएगा, रुपीस लगा लीजिएगा, ठीक है ना, हर जगह जहाँ जहाँ पे दिया होगा, तो 441 आएगा।
जब इसके बाद देखिए सेकंड ईयर का निकाला हमने तो 8820 आया, और थर्ड ईयर का निकाला तो हमने 441 आया। तो अब इसमें बस इतना ही करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।